लेकिन बात बताओ, तुम लोग के खानदान में सभी ढीठ हैं। अब इतना कुछ हो गया, तेरा अब्बा नहीं मर रहा है? इतना कुछ कर दिया, ये तेरी जान नहीं छोड़, चक्कर गया है क्या? सीन है बॉस, कजन ही है या आशिक है? हद से बड़े हो, बहुत बदतमीजी होगी तुम लोग की। अब निकलो यहां से। समझ में नहीं आ रहा, दफा हो जाओ यहां से। अरे नहीं की यार अभी बदतमीजी, बहुत हो गया। अब तुम जा रहे हो या मैं चिल्ला के पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करूं? दफा हो यहां से, निकलो। शोर करोगी, चिल्लाओगी, सबको इकट्ठा कर दोगी? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ भाई साहब, मुझे बचाइए, ये लड़का मुझे तंग कर रहा है। क्या हो गया तुम लोग की मर्दानगी को? क्यों नहीं मुझे बचाते? ये आवारा लोफर लड़का मुझे छेड़ रहा है। और तुम लोग चिल्लाना, मैं भी तो देखूं कितनी हिम्मत है तुझमें यार। चिल्ला, ए चिल्ला। चले चले जाओ, रहम करो हम पर, तमाशा मत करो, प्लीज चले जाओ यहां से। ये पसंद है मुझे। देखो चिल्लाती हुई लड़कियां अच्छी ही नहीं लगती मुझे यार। लड़की अच्छी लगती है मिन्नत करती, समाज करती, गिड़गिड़ाती हुई। तो दोनों बहनें अच्छी लगने लग गई। इधर आ, इधर आ, मुकुंद इधर। चल, अरे छोटी वाली लूंगा। नहीं चलो, तो आपस में फूंक लेना, अभी चलते हैं। बैट उठा मेरा, चल। सलाम अलैकुम, एसएचओ साहब कैसे हैं? कहाँ गायब हैं? मैं कोई आता ना पता, चल क्या रहा है भाई? अच्छा भाई वाह, अच्छा अच्छा, मजे करो मजे करो यार, काम तो कर दो हमारा भी यार। घर में ही महफूज नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है बुशरा, तुम उस शैतान से इतना क्यों डर रही हो? तुम्हें अपने अंदर से उसके डर को निकालना पड़ेगा ना, इस तरह हम सब कैसे फेस करेंगे बुशरा? और तुम्हें पता है कि जब हम किसी से डरते हैं ना, तो वो और शेर हो जाता है, हमें और डर आता है। तुम्हें हौसला और हिम्मत दिखाना पड़ेगा। और वो शानी, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हें पता है? वो सिर्फ हमें डराना चाहता है, हमें खौफजदा करना चाहता है। वो बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकता है। नहीं नहीं, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब देखो ना, तुम्हारी वजह से मैं भी घबरा जाती हूँ। उसका मुकाबला करने के बजाय मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगती है। अभी हमें ये घर छोड़ देते, ये हमारा घर है, हम इसे छोड़ के कहाँ जाएंगे? और हम जहां भी जाएंगे ना, वो शैतान वहां पर भी आ जाएगा। कहां भागेंगे, कितने घर बदलेंगे हम? और भागना हमें नहीं है, अपने अंदर से उसके डर को भगाना है। तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है। मैं तो ये शुक्र करती हूँ कि बाबा घर पे नहीं थे,
वो ये सब कुछ देख लेते तो सह ही ना पाता। बुशरा, हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ना, बाबा का ख्याल रखना है हमें। ऐसे डरते रहेंगे तो कैसे मुकाबला करेंगे? और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों स्ट्रांग हो जाएं ताकि बाबा को ये सब फेस ना करना पड़े। हम खुद संभालेंगे और ये तभी मुमकिन है जब तुम स्ट्रांग हो जाओगी। तुम मेरा साथ दोगी ना? हम दोनों मिलकर सब हैंडल कर लेंगे, सब देख लेंगे, पर तुम्हें स्ट्रांग रहना पड़ेगा। हाँ करेंगे पापा के लिए, सब करेंगे। अम्मी जान कैसी हैं? मां बहुत भूख लगी है, बस खाना दे दे, जो भी पकाया है जल्दी से दे दे। ये रख। आप खाना यहीं खाएंगे या कमरे में लगा दूं? तुमसे खाना मांगा किसने? मैंने तो अम्मा से कहा था, तुम कहां से आ गई? अम्मा ने ही भेजा है मुझे। क्यों? तुम्हें क्यों भेजा, खुद क्यों नहीं आई? मुझे क्या पता, मुझे तो लग रहा है अम्मा नाराज है आपसे, तभी आपसे बात नहीं कर रही, इसीलिए मुझे भेज दिया खाना देने, वरना तो खुद ही आ जाती है खाना देने। अंदर गई ना? जी। अब्बा भी अंदर ही होंगे? जी। यार अब्बा भी ना, तो खाना दो फिर करता हूँ बात अम्मा से। लाओ। यार क्या, बुशरा। अरे बुशरा बेटा। जी बाबा, कुछ चाहिए आपको? ये तुम दोनों इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? दोनों का चेहरा भी उतरा हुआ है। अरे अनमोल बेटा इधर आओ, मेरे पास बैठो। जी क्या हुआ? मेरी बीमारी को लेकर बच्चा। नहीं नहीं बाबा, बस दुआ कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मैं तो सोच रहा हूँ कि कल से ऑफिस जाना शुरू कर दूँ, खुद को मसरूफ कर लूंगा कामों में, तो सोचूंगा भी कम। हाँ ठीक हूँ जी, बिल्कुल जैसे आपकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम मां। वालेकुम अस्सलाम, क्यों आए हो तुम यहाँ? क्यों मामू, क्या अब मैं इस घर पे नहीं आ सकता? क्या हमारे दरमियान वही रिश्ता था जो जुड़ ना सका? मामू आप एक रिश्ता तोड़ेंगे तो मैं दूसरा रिश्ता छोड़ूंगा, लेकिन ये ताल्लुक कभी खत्म नहीं होने दूंगा। किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? हाँ रिश्ता तो तुम्हारी मां से भी था, तुमसे ज्यादा गहरा, ज्यादा करीबी। इतनी बड़ी दुनिया में एक वाहिद रिश्ता था मेरा, तुम्हारी मां ने उस रिश्ते का भी लिहाज नहीं किया। आपा चाहती तो इस रिश्ते को बचा सकती थी, से लड़कर वापस आया हूं मैं, मिलने आ सकती थी, लेकिन वो तो शायद
शायद मेरे जनाजे की मुंतजर थी। अगर जनाजा होता ना तो इस रिश्ते का भरम रखने के लिए आ जाती। नहीं मामू, आप गलत समझ रहे हैं। मैं अम्मी से गुस्सा था, इसी वजह से मैंने आपकी तबीयत के बारे में अम्मी को नहीं बताया था। अच्छी बात है बेटा, अपनी माँ की इज्जत रख रहे हो। मामू मैं सच कह रहा हूँ। सच तो ये है बेटा कि मेरी बहन का दिल मेरी तरफ से सख्त हो गया। सारिम भाई प्लीज प्लीज यहां से चले जाएं। आपको देखकर बाबा को ज्यादा एहसास होता है फूफो का। बाबा ने बड़ी बहन की तरह नहीं बल्कि माँ जैसी इज्जत दी थी उनको। हमारे साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था फूफो को। इस तरह के रवैये ने कितना दिल दुखाया बाबा का। प्लीज प्लीज सारिम भाई आप जाइए यहां से। हम बाबा को और दुख में नहीं देखना चाहते। प्लीज समझिए बात को, आप जाएं यहां से।